लद्दाख में चीन की घेराबंदी, पेंगोंग में अब नेवी के मार्कोस कमांडो हुए तैनात, आर्मी और एयरफोर्स कमांडो पहले से हैं मौजूद। तनाव को खत्म करने के लिए चीन से बातचीत जारी, लेकिन चीन नहीं आ रहा अपनी चालबाजी से बाज। कृषि बिलों को लेकर पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन का आज तीसरा दिन। केंद्र ने किसानों से की बातचीत की पेशकश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंदोलन में बताया खालिस्तान कनेक्शन का इनपुट। सीरम इंस्टीट्यूट में पीएम मोदी बोले, घोड़े के फार्म शेड से हुई थी शुरुआत, आज है दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी। विश्व के 60% बच्चों को लग चुके हैं टीके। सी प्लेन सर्विस एक महीने में ही बंद, मेंटेनेंस के लिए मालदीव भेजा गया सी प्लेन, 28 दिन में तीसरी बार सर्विस बंद, 50 साल पुराना है विमान। कश्मीर में डीडीसी चुनाव, वोटर्स बोले इस बार विकास के लिए डालेंगे वोट, रोका जा रहा गैर भाजपा प्रत्याशियों का आरोप प्रचार। बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर ने कंगना रनौत को कहे अपशब्द, बोली कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं 2% के लोग। यूपी में लग जिहाद के खिलाफ अध्यादेश, धर्म परिवर्तन के ऑर्डिनेंस को राज्यपाल की मंजूरी, दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा होगी। विद्या बालन की मंत्री जी को ना, विद्या ने एमपी के मंत्री शाह के डिनर की पेशकश ठुकराई, अगले दिन अफसर ने शूटिंग यूनिट को रोका। रेगुलेटरी फाइलिंग ने दी जानकारी, मरुगप्पा ग्रुप की कंपनी ने सीजी पावर को किया ओवरटेक, बोर्ड में नियुक्त किए गए 6 सदस्य। बिग बॉस 40 में बड़ा ट्विस्ट, जनवरी की बजाय एक हफ्ते में होगा शो का फिनाले, 9 में से महज 4 सदस्य ही शो में जाएंगे आगे। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋतु त्रिपाठी, नव भारत मीडिया।